एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है के सहारे या की मदद से। जैसे कई बार आप अपने लाइफ में कहते हैं आपकी मदद से या आपके सहारे, इस मशीन के मदद से या इस मशीन के सहारे, इस डंडे के सहारे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं इस एप्लीकेशन के सहारे इंग्लिश सीखता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन, यानी इस एप्लीकेशन के सहारे मैं इंग्लिश सीखता हूँ। अगर आपको कहना हो कि आपकी मदद से मैं पास हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई पास्ड विद द हेल्प ऑफ यू, यानी आपकी मदद से मैं पास हो गया। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अपनी दोस्तों की मदद से वह स्मोकिंग करना छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्टॉप्ड स्मोकिंग विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी अपनी दोस्तों की मदद से वह स्मोकिंग करना छोड़ दिया। मैं एक छड़ी के सहारे चलता हूँ या मैं एक छड़ी की मदद से चलता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉक विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, यानी मैं एक छड़ी के सहारे चलता हूँ। टीचिंग के सहारे मैंने पैसा कमाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई अर्न मनी विद द हेल्प ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के सहारे मैंने पैसा कमाया। अगर आपको कहना हो कि इस चैनल के सहारे मैंने इंग्लिश सीखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव लर्नड इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल, यानी इस चैनल के मदद से मैंने इंग्लिश सीखा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया, कि जब कभी भी आपको कहना हो कि मदद से या के सहारे, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे विद द हेल्प ऑफ, उसके बाद आप लिखेंगे एक नाउन। बाय द वे उसके बाद कोई वर्ब आए तो आपका वर्ब जीरेंड के शक्ल में होगा, यानी आप उसमें देंगे आईएनजी फॉर्म। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से जुड़ा आपके पास भी कोई सेंटेंस है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही लिखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।